हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ दीदी के घर और यहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग की थी माता रानी के कपड़ों की और लड्डू गोपाल के कपड़ों की, क्योंकि शाम को था जागरण। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग नए कपड़े पहनेंगे तो उनको भी तो नए कपड़े पहनाने हैं ना। तो मैं दीदी के लड्डू का और अपने लड्डू का एक जैसे ही कपड़े लेके आई थी, यहाँ तक कि मैं माता रानी के भी सेम ड्रेस लेके आई थी, क्योंकि ये दोनों बहन भाई हैं तो जाहिर सी बात है बहन भाइयों को सेम ड्रेस तो अच्छी लगेगी ना पहनाएंगे। तो ये मैं माता रानी के क्यूट से बाल लेके आई थी। सच्ची में ये इतने सिल्क, इतने सॉफ्ट, इतने क्यूट थे ना, बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और जागरण की जो खुशी है ना, ओ माई गॉड, वो तो बहुत ही अच्छी है। तो ये थी लड्डू की दूसरी ड्रेस, दीदी के लल्ला की ड्रेस, और ये इसकी माला। उनके लल्ला के लिए हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लेके आए थे, सिर्फ बाल नहीं लेके आए थे, वो रह गए थे। ये है लल्ला की मुरली और ये है माता रानी की चुनरी, जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ये जो इसकी साइडों की लेस है ना, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने झट से ले ली। और ये है मेरी माता रानी की ड्रेस, जिसमें बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। ये इनके ऊपर की कोटी है और ये नीचे का इनकी घाघरा, मतलब घाघरा चोली बोल सकते हो हम। सो गाइज, यहाँ पे हमने टेंट लगाया था क्योंकि बारिश की इतनी, मतलब बारिश ने इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कर दी थी ना कि है ना, कहीं भी खाना खवाने का कोई जुगाड़ नहीं छोड़ा था। तो यहाँ पे मैं जो आप लोगों के सामने चिनाई दिखाती थी ना कि चिनाई लग रही है, मतलब घर बन रहा है, तो वहीं पर हमने ये हॉल रेडी किया और फटाफट यहाँ की सफाई की और यहाँ पर तैयारी कर दी खाने पीने की। और यहाँ पे दूसरी साइड में भट्टी चढ़ी हुई है जहाँ पे रोटी बन रही थी, कौन सी है जो भी वो। और यहाँ पे फाइनली लुक आ गया है और अब हो रहा है शाम का टाइम, तो खाना पीने का टाइम हो गया है। खाना पीने के बाद जागरण शुरू हो जाएगा। और जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है, प्लीज़ आप लोगों को पता है ना क्या करना है, यस चैनल को लाइक कर दीजिए, ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। और ये हैं भैया, भैया के फ्रेंड्स, हर्ष के फ्रेंड्स। और यहाँ पे पानी उधर जा रहा था दूसरे घर में, परले घर में, क्योंकि वहीं पे खाना पीना चल रहा था, तो यहाँ पे ये इशू है। बाकी आप लोगों को गाइस पूरे के पूरे जागरण अब ऐसे ही दिखेंगे, मैं बहुत कम बोलूंगी, बाकी आप लोग एंजॉय कीजिए। बताना कि कैसा लगा कमेंट में। जय माता दी। मंगलम भगवान विष्णु, शिव मंगलम गरुड़, शिव मंगलम पुण्डरीकाक्ष, शिव मंगलाय तनोहरि, ओम श्री ब्रह्म विष्णु महेशाय नमो नमो नमः, ओम श्री त्रिदेवाय नमो नमो नमः। शिव जन जन्म समर्पयामि, समर्पितं नमो नमो नमः। समर्पितं नमो नमो नमः। शिव नैवेद्यं समर्पितं नमो नमो नमः। शिव गजाननं भूतगणं सिद्धं कपिले जम्बुफलचारुवृक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं वक्रतुण्डं महाकाय निर्विघ्नं कुरु मे देवि सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु श्री गणेश भगवान की जय। जलं समर्पयामि नमो नमो नमः, तिलकं समर्पितं नमो नमो नमः, धूपं दीपं दर्शयामि नमो नमो नमः, मंगलं सूत्रं समर्पितं नमो नमो नमः, नैवेद्यं समर्पितं नमो नमो नमः।
मिलती हूँ अब आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. थैंक यू सो मच. बाय.